हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। बच्चों, हम इस चैनल पर आपके क्लास 12 मैथ्स का जो पार्ट होता है, जिसे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, ये मैथमेटिक्स बेसिकली वो लोग लेते हैं जिन्होंने कॉमर्स विद मैथ लिया होता है। ज़्यादातर बच्चे इसी को ऑप्ट करते हैं, वो प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चों, इस चैनल पर हमने क्लास 12 के लिए जो मैथमेटिक्स है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप सभी लोग इस चैनल पर वो लोग जुड़ जाएं जिन्होंने अपने क्लास 12th में अप्लाइड मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है, चुना है एज ए सब्जेक्ट, है ना। तो जो बच्चों, आपका अब टर्म टू स्टार्ट है, और टर्म टू, जैसा कि CBSE ने भी अपनी एक गाइडलाइन कहें जो दे दी है एग्ज़ाम के बारे में, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले टर्म टू के, वो 26 अप्रैल से होने वाले हैं। तो बच्चों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपका पूरा पार्ट यहाँ पे फिनिश किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है, तो उस वजह से उनको कहीं पे पढ़ने को नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं शायद जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, हमसे जितना बन पा रहा है, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप बिल्कुल जुड़ जाइए, और साथ ही साथ ये बात सब में फैला दीजिए, बता दीजिए कि आपको इस चैनल पर अब अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट भी मिलना शुरू हो गया है। तो बच्चों, जो हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में आज पढ़ना है, वो हमें कैलकुलस का पार्ट जो है वो पढ़ना होगा। यूनिट आपकी बच्चे थर्ड होती है ये, वैसे ही यूनिट 3 आपका टर्म 1 का भी पार्ट है, लेकिन यहाँ से जो हम केवल उठाएंगे टर्म 2 का पार्ट, क्योंकि अब हाँ आपके टर्म 2 आने वाले हैं बच्चों। तो टर्म 2 में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो बिल्कुल आप कॉपी पेन पेपर लेके ही बैठिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएँ। तो आप सभी लोग बस टॉपिक को डाल लीजिए, और अगर अभी तक बिल्कुल नए हैं आप सभी लोग, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि अब मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का वो कंटेंट भी देने की कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। तो बस आप लोग सपोर्ट करें बच्चों जितना हो सके। तो जो टॉपिक है बेटा, वो रहने वाला है इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो चलो समझते हैं कैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। आपने बच्चों टर्म 1 में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो बच्चों वहां पर आपने क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन किसी का आप करते हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, DDX लिखते हो, और यहां पे कोई फंक्शन लिख रहे होते हो FX, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया, आपको कोई दूसरा फंक्शन मिल गया GX, सपोज कर लो इस तरह से। हो सकता है ये बातें अभी आपको इस तरह से ना समझ में आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगी, बस आप बने रहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो आउटपुट आपको ये आया। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? तो बच्चों, एक हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं, और इनपुट पे जब ये DDX अप्लाई होता है, तो आपको एज ए आउटपुट ये मिलता है, ठीक है। तो अब अगर आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछूं कि आपने डिफरेंशिएशन जब किया था बच्चे e की पावर x का, तो आपको क्या मिला था? e की पावर x मिला था, है ना। आप जानते हो डिफरेंशिएशन में कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? e की पावर x ही होता है। जो बच्चे डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं जानते, वो कमेंट करके मुझे बता देंगे कि उन्हें बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो मैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलो, मैं अभी जो कर रहा हूँ आज के लेक्चर में, ये मान के कर रहा हूँ कि आप टर्म 2 का ही पढ़ेंगे, और बच्चों काफ़ी सारा टाइम हमारे पास है, 26 अप्रैल बहुत है आगे की डेट जहाँ से आपका स्टार्ट होगा। अभी तो डेट शीट भी नहीं आई है, तो ठीक है, हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप करते बच्चे, एक ही पावर एक्स आता कितना? एक ही पावर एक्स आता है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर मिटा दूँ, ये पूछूँ कि बच्चों आपने किसका डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करी थी कि आपको एज ए आउटपुट क्या मिला था? एक ही पावर एक्स मिला था। फिर से मेरी बात सुने, किसका आपने डिफरेंशिएशन किया था कि आपको एज ए आउटपुट, यानी कि डिफरेंशिएशन करने पे किसी का आंसर e की पावर x आता है? तो आप कहेंगे हमने e की पावर x का ही डिफरेंशिएशन किया था, तब जाके हमें e की पावर x मिला था। तो आपको यहाँ पे जो भरना है वो क्या आंसर आएगा? e की पावर x आएगा। दूसरा, मैं अगर क्वेश्चन आपसे पुट करूँ, मैं कहूँ कि आपने डिफरेंशिएशन किसी का किया, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐसी रखी थी जिसकी वजह से उसका आंसर कितना आया? 1/x आया। यानी कि किसी का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आंसर आया? 1/x आया। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि आपने किसका डिफरेंशिएशन किया था। तो शायद अगर आपको पता है फार्मूला, तो आप लोग बता रहे होंगे, कमेंट भी कर देना इसी टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हो।
तो मुझे बताएंगे आप लोग लिख रहे होंगे क्या कि log x का हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो हमने उसको आंसर में कितना निकाला था, 1/x निकाला था। अब इसी बात को हम लोग उल्टे ढंग से आपसे पूछेंगे, वही आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रल्स हो जाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कि डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बच्चे इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हमने जाना। अब मैं इसको कैसे आपसे कहूंगा, समझो मेरी बात को, फिर से वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को अपना पूरा प्यार दें और सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं। सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर करके बताइए कि अब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट यहां से उठा सकते हैं। और हर बच्चा, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि वो ये बहुत ही छोटा चैनल है बच्चे, आप इसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं सपोर्ट करिए, आप ही के लिए हम लोग दिन रात यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा कि आपने डी डी एक्स लिखा, लॉग एक्स लिखा बच्चे, और उसका डिफरेंशिएशन करने पे कितना आया, 1/x आया। तो अब समझो मैं पूछूंगा कि किसका डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आया, तो आप कहते हो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x हुआ, तो आंसर आया लॉग एक्स। अब हम आपसे इनपुट पूछ रहे हैं, तो इनपुट पूछने का ढंग बस बदल दिया गया, लिखने का ढंग बदल दिया गया। आपसे कैसे पूछा गया कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया था, तो आप कहते हो लॉग एक्स का, है ना, इस तरह से बोलते हो। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ये तो डिफरेंशिएशन में ऐसे लिखा गया, तो इसको ऐसे लिखा गया, डी एक्स जो है ना आपका इधर भेज दिया गया, और डी का उल्टा देखो कैसे डी एक्स इधर जाएगा। तो हमने इसको डायरेक्ट में बता दे रहा हूँ, आप इतना मत सोचो बहुत डीप में हो जाएगा, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स आपको नहीं चाहिए, आपको एक्चुअल चाहिए। तो आप बस इसको बस ऐसे लिखें और यहाँ पे डी एक्स लिख दें। क्या लिख दें बच्चे, यहाँ पे इस तरफ से लिखेंगे और डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अच्छा चलो ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं कि हमें बताया नहीं जा रहा है, प्योर मैथमेटिक्स नहीं है तो क्या बताएंगे नहीं हमें, तो चलो बता देते एक बार। मैंने कहा बच्चे डी एक्स को आप उधर ले जाएंगे, तो आप क्या लिख रहे होंगे, 1/x डी एक्स लिख रहे होंगे, है ना, और इधर क्या बच गया, डी लॉग एक्स बच गया। बच्चे डी को भी उधर ले जाइए, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे डी भी उधर जाएगा, तो इधर क्या बच गया, लॉग एक्स बच गया, और डी भी जब उधर चला जाएगा तो डी उल्टा होकर जाएगा, यानी अपने आप को उल्टा कहेगा, इधर जो डिफरेंशिएशन उधर जाके क्या बन जाएगा, तो उसका सिंबल बस बदल दिया लोगों ने, ऐसे लिखना शुरू कर दिया और लिख दिया इस तरह से, और यही कहलाने लगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। ये क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन है ये बच्चे, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है बच्चे, log x, यानी 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। मेरी बात समझ रहे होंगे, ऐसे ही मैं दूसरा फार्मूला अगर लिखूं, इंटीग्रेशन e की पावर x dx कितना होगा, तो आप कहेंगे e की पावर x ही होता है। अब देखो एक चीज समझो, हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, कौन सा बच्चे होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा, सॉरी वेरी सॉरी, अभी आप इनडेफिनेट पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, इनडेफिनेट, क्योंकि अभी तो हमने सी वाली बात करनी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या पढ़ना होगा, इनडेफिनेट बच्चे स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, इनडेफिनेट इंटीग्रल में वो चीज आ रही होगी कुछ ऐसा, कॉन्स्टेंट वगैरह भी एड होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसमें एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे, सी यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ फार्मूलों की लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप केवल और केवल अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो अप्लाइड में हमारा बहुत बड़ा पोर्शन रिड्यूज होके मिलता है, जो प्योर मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट करना पड़ता है, वो आपको नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं करना है, एलजेब्रिक मोस्टली करना होगा आपको, कौन से करना होगा बच्चे, एलजेब्रिक पार्ट आपको करना होगा, एलजेब्रिक। ठीक है, तो एलजेब्रिक पार्ट हमें जो करना है उसी के बारे में सीखना होगा, इंटीग्रेशन मोस्टली, बस मेथड आपके बदलेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपने डिफरेंशिएशन में भी सीखा होगा, वो फार्मूला आपका होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना। तो आप क्या करें, जो भी पावर दी जाए उसमें एक ऐड कर दो, तो आप एक्स की पावर कितना बोलेंगे, एन प्लस वन बोलेंगे,
और डिवाइड में कितना हो जाएगा, जो पावर बने वही आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला नंबर ए हो गया। तो चलो इस पर बेस हम लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अब बस एक्स की पावर किसी तरह से हमें मिल जाए, हम अपना काम कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ कॉन्स्टेंट बच्चे सी ऐड करने की आदत आप भी डाल लो। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल मैं पहला लूँ, मैं आपसे पूछूँ एक्स पावर 5 लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या करेंगे, एक्स पावर 5 को एक बढ़ा दीजिए, 5 + 1 6 हो जाएगी, और जो पावर बन जाए उसी से आप नीचे क्या करें, डिवाइड कर दें और एक कांस्टेंट ऐड कर ले, हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स लिखा है, अब बस ये ध्यान रख लेना है कि रूट एक्स को पावर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो बच्चे जहां भी रूट एक्स लगा हो तो रूट एक्स की वैल्यू होती है एक्स पावर 1/2, ये याद कर लेना। रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स पावर 1/2। अगर ऐसे क्यूब रूट एक्स होता, सपोज करो इस तरह से होता, क्यूब रूट एक्स होता, तो हम कहेंगे एक्स पावर में क्यूब रूट है तो आप 1/3 लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे, अगर ऐसे एम्थ रूट होता, कोई नंबर होता एक्स ही होता अगर, तो हम एक्स पावर कितना लिखते हैं, यहाँ पे एम लिखा तो 1/m लिख रहे होते। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बच्चे लिखा है रूट एक्स लिखा, तो सबसे पहले से पावर के फॉर्म में लिखो एक्स पावर 1/2 और क्या लिख दें, dx। ठीक है, अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है कि एक्स पावर जितनी होती है उसमें एक ऐड करते हैं, जितनी पावर बन जाती है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स पावर कितनी है, 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड कर लो, इस बार मैं दिखाई दे रहा हूँ, उतनी ही पावर नीचे रख लो जो पावर ऊपर बनती है, 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस सी। अब एक्स पावर 1/2 को आप बोलते हो 3/2 ऐड करने पे आ जाएगा, एक्स पावर 3/2 हो गया, यहाँ भी 3/2 होगा प्लस सी, बट हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले चले जाएंगे, 3/2 को ऊपर ले जाने पे क्या मिलेगा, 2/3 मिल जाएगा, और एक्स पावर हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 2/3 पलट के जाएगा ना, और प्लस सी। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपको किसी तरह से डाउट होता है तो हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, बहुत टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करके रहिए और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा अगर पूरी तरह से आप समझना चाहते हैं। साथ ही साथ कमेंट आपको जरूर करना है, जितने भी बच्चे देख रहे हों उनको बस ये हमें पे करना होगा, आप हमें बस इतना पे कर दीजिए अपना कमेंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो आप सपोर्ट भी करिए, ताकि हम चीज़ें आपको और भी अच्छे ढंग से दे सकें, अच्छे मन से दे सकें, है ना। तो चलो पहला आपने फार्मूला देखा, दूसरा फार्मूला लिखते हैं। अगर इस तरह से लिखा है जैसे अभी हमने देखा ही था कि दूसरे फार्मूले में अगर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है तो आप क्या कर रहे होंगे, ए की पावर एक्स प्लस सी लिख देंगे, दूसरा इंटीग्रेशन इस तरह से हो गया। अब बच्चे ये किसी के साथ ऐड होके आएगा, किसी के साथ सबट्रैक्ट होके आएगा तो हम लोग लिख लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं फार्मूला लिखना सिखा रहा हूँ आपको सारे, आप उनको जितने लिए याद कर लें। दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला है लॉग एक्स का, ये आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले यहाँ पे लर्न नहीं करने हैं, प्योर मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, यहाँ पे वो सब नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x, नहीं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आप अभी नहीं बहुत आगे सीखेंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स, यानी हमने उल्टा लिख दिया था, तो लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये तीसरा फार्मूला। फोर्थ और फार्मूला लिख देते हैं, इतने से अपनी गाड़ी कट जाएगी। फोर्थ फार्मूले में किसको ले लें, ए की पावर एक्स को ले लें, चलिए ए की पावर एक्स को ले लेते हैं, ए की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चे ध्यान दो, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, ए की पावर एक्स होता था, और क्या लिखते थे, मल्टीप्लाई में लॉग ई ए लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखना होगा, डिवाइड में लॉग ई ए, चूँकि ये उल्टी प्रोसेस है तो जो चीज़ है वो यहाँ पे उल्टे में बिहेव करने लगती है। तीन फार्मूले ये हो गए, चौथा फार्मूला कौन सा था, एक्स पावर एन वाला, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक्स पावर एन प्लस 1/(n+1) और प्लस कितना सी, ये आपका फर्स्ट नंबर का फार्मूला था। तो इस तरह से हमने चार फार्मूले आपको लिख दिए हैं, अब आप इनको लिख कर याद कर लिए जितने जल्दी, इन्हीं पर बेस हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो और आगे क्वेश्चन को सीखते हैं बच्चे, ये मैं मिटा दे रहा हूं, अब जब भी मैं फार्मूला बोलूंगा तो आप इनको देख करके बताइएगा। और ये लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट है बच्चे, पार्ट वन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और बस वही चीज़ कि आप नोट जरूर करें, नहीं तो मेहनत बेकार आपकी भी हो जाएगी हमारी भी हो जाएगी, है ना। तो
तो चलो इंटीग्रेशन मैंने लिखा वन अपॉन में रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और सोल्यूशन करना शुरू कर देंगे। तो वन अपॉन में अगर लिखा है बच्चे, सबसे पहले क्या करें, रूट एक्स की यानी सही पावर बनाओ। तो रूट एक्स को मैंने लिखना बताया था, क्या लिखते हैं रूट एक्स को, वन बाई टू पावर लिखते हैं, लेकिन पावर तो ऊपर होनी चाहिए, एक्स की पावर एन ऊपर ही तो होता है, तो इसको फिर ऊपर ले जाइए। और पावर जब भी ऊपर जाती है, किसी टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी पावर कैसी होती है, साइन चेंज होता है। चूंकि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वन बाई टू हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। अब बस हमारा एक्स की पावर एन के फॉर्मेट में बन गया है। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है फार्मूला, एक्स की पावर एन जो भी है उसमें एक ऐड करो, तो माइनस वन बाई टू तो है, उसमें एक ऐड कर दिया, जितनी पावर बनी उतने से नीचे डिवाइड कर दो। ऊपर पावर कितनी बन गई, माइनस वन बाई टू प्लस वन, उसी से नीचे डिवाइड कर दो, और प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब इसको आप जितनी जल्दी सॉल्व कर लें आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है, सॉल्व करने पर दे देगा एक्स की पावर वन बाई टू, नीचे क्या वो भी वन बाई टू दे देगा, और प्लस सी, एक्स की पावर वन बाई टू यानी कि रूट एक्स ही हो गया, और ये जो वन बाई टू ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टू रूट एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, लिखा है ए की पावर में थ्री लॉग ए बेस पर एक्स, ए बेस पर एक्स, बहुत सही समझिएगा, थोड़ा सा लॉग की या एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी बस यहाँ पे है और ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी समझो, अगर कभी ऐसे लिखा हो थ्री लॉग एक्स लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, मैं बेस में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है जो थ्री है ये एक्स की पावर है, ध्यान दो, थ्री यानी एक्स क्यूब ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये पावर ही आगे आ जाती है लॉग के रूल में, तो ऐसे आगे आती है, अदरवाइज ऐसे आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखो क्या लिखा होता है, बेस मान लो ई बेस है तो ई लिखा जाएगा, ए बेस है तो ए लिखा जाएगा, पहला रूल इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो हम सोल्यूशन डाल के कैसे, इतना लिखने के बाद क्या लिख देंगे, एक क्यूब तो लिखा है तो थ्री को आप इसके ऊपर पावर लगा दो, किसके ऊपर, एक्स की पावर, तो ए की पावर, देखो बच्चे ये ए की पावर में इतना सारा लिया है, ए की पावर में इतना सारा है और खुद थ्री यहाँ पे एक्स की पावर बनने वाला है, यानी पावर पे पावर जा रही है, लॉग ए एक्स लिखो और इस थ्री को इसकी पावर एक्स की पावर लिख दो, तो इस तरह से देखो इसकी पावर ये पूरा है और इसकी पावर थ्री है, तो इस तरह से बन गया। पहली प्रॉपर्टी आपने सीखी, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कभी ऐसे आ जाए ए की पावर लॉग ए आ जाए इस तरह से, यहाँ पे फिर जो भी लिखा है सपोज करो एम लिखा है, तो ये पूरा हट जाता है, क्या आंसर देता है, ओनली एम देता है, मैंने क्या कहा, ये पूरा हट जाएगा, क्या देगा, जो लॉग ए के आगे लिखा है, कितना लिखा है एम, तो आंसर आ जाएगा एम। तो बच्चे यहां से कितना आंसर आएगा, ये पूरा यहां से हट गया ना इतना पार्ट, कितना आंसर आएगा, ओनली एक्स की पावर थ्री आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप याद करो, एक ये प्रॉपर्टी याद करो, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन को छोड़ सकते हो एग्जाम में अगर आ गया कहीं। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, पावर में एक ऐड करो फोर हो जाएगा, उतने से डिवाइड करो और प्लस सी लगा देना, ठीक है। आई थिंक इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर ये क्वेश्चन कहीं पे टफ लग रहा होगा तो इस बात से लग रहा होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर थ्री लॉग ई एक्स है तो ये थ्री जो है ना ये आगे पावर आती है, इसको मैं अलग ढंग से दिखाता हूं, अगर सपोज करो आपने लिखा लॉग नाइन, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, लिख दिया, अभी जो स्क्वायर है ये टू आगे आ जाता है, तो टू लॉग थ्री लिख सकते हो इसे, कितना, टू लॉग थ्री लिख सकते हो। अब हमें तो उल्टे में चलना पड़ा यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू को इसकी पावर दे दो, तो क्या बन जाएगा, लॉग थ्री का स्क्वायर, यहाँ पे पावर आ गई ना टू, तो लॉग थ्री स्क्वायर ये बन गया, अब थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब वही चीज़ यहाँ पे हमने जो सॉल्व करी उसको मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकली ऐसे सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि किसी किसी स्टेट बोर्ड में लॉग नाम का एक चैप्टर भी होता है जहाँ पे वो ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी पर बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, शायद आपके एग्जाम में एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन बना के आपसे पूछ ले, और आप इस सिंपल सी प्रॉपर्टी की वजह से क्वेश्चन छोड़ के आओ, ना कि इंटीग्रेशन की वजह से, इंटीग्रेशन आसान होगा, देखो कैसे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन e की पावर में फाइव लॉग ई एक्स, ये ई छोटा है एक्स के बराबर नहीं है, बेस है, आप इसको अगर जानते हो तो अच्छी बात है,
माइनस ई की पावर, यहाँ पे लिख लो 4 लॉग ई बेस पे एक्स डिवाइड, यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर 3 लॉग ई बेस पे एक्स माइनस ई की पावर 2 लॉग ई बेस पे एक्स। बच्चों क्वेश्चन को देख के चक्कर ना आए आपको, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप परेशान ना हो, बस जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी आपको बस वही लगाइएगा, कुछ भी ऐसा नया नहीं करना। फिर से याद करो जरा, अगर मैं कहूँ लॉग में यहाँ पे अगर 4 लिख के यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ और यहाँ पे x लिख दूँ, और ये 4 जो लिखा है यहीं 4 की पावर में पूरा ये अगर लिखा हो, ये बच्चे 4 की पावर में पूरा लिखा थी, सारा हट जाता, कितना आंसर आता है, ओनली एक्स आता है। तो सोचो ये मैं सारा हटा तो सकता था, लॉग ई लिखा ई की पावर, लेकिन ये 5 नहीं है, यहाँ पे 5 ना होता तो काम बन जाता। तो यहाँ पे हम 5 को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वही पावर बना के कर सकते हैं, बाद में प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो चलो एक स्टेप हमारी बस प्रॉब्लम में आ रही, और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाइए, ये 5 को क्या कर सकते हैं, एक्स की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, मतलब एक्स की पावर बना सकते हैं। तो आप लिख रहे होंगे ई की पावर में लॉग ई बेस पे एक्स की पावर 5, ठीक है, माइनस यहाँ भी ऐसे 4 को क्या कर दो, एक्स की पावर बना दो, तो हो जाएगा ई की पावर लॉग ई बेस पर एक्स की पावर में कितना 4 डिवाइड में क्या, ऐसे यहाँ भी पावर बन जाएगी, ठीक है, ई की पावर लॉग ई बेस पर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ई की पावर लॉग ई बेस पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये ई लॉग ई पूरा हट जाएगा, क्या देगा, एक्स की पावर 5 देगा ऊपर, यहाँ पे ई लॉग ई भी हट जाएगा, क्या देगा, एक्स की पावर 4 दे देगा डिवाइड में, ऐसे ये क्या देगा, एक्स क्यूब दे देगा माइनस ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर दे देगा। ठीक है, कुछ तो हल्का हो गया क्वेश्चन, आगे समझो, ऊपर से अगर मैं एक्स की पावर 4 कॉमन ले लूं और नीचे से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो देखो क्या बचा, यहां एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 4 कॉमन लिया तो एक एक्स बच गया, माइनस लगा दीजिए, ये माइनस है तो माइनस लगाया, एक्स की पावर 4 चला गया तो 1 बचा, ठीक है, 0 नहीं 1 बचता है कॉमन लेने पे। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 पावर है, 2 चली गई बाहर, तो x ओनली बचा, x माइनस 1 बचा। तो अब बच्चों देखो x माइनस 1 पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आपका क्वेश्चन में क्या बचा, ओनली एक्स स्क्वायर बचा। सोचो जरा कितना बड़ा क्वेश्चन आपको गंदा सा लग रहा था, ऐसे सॉर्ट होते होते और छोटा हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, पावर एक बढ़ा दो, जितनी पावर आए उतना डिवाइड में रखो और क्या कर दो, प्लस सी कर दो। तो कुछ इस तरह से ये हमने आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन दे दिया। आई थिंक ये लेक्चर अभी तक आपको भारी नहीं पड़ रहा होगा, सब कुछ आसान लग रहा होगा, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको, ठीक है, चलो समझो आगे के क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे क्वेश्चन 2-3 और करा देते ताकि आपको ये जो भी फंडा सीखा है आसान लगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ई की पावर एक्स लॉग ई ए और डी एक्स, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है। जरा सोचो अगर ई की पावर यहाँ पे है, ई लॉग बेस में ई भी यहाँ पे, तो हटा तो सकते थे, लेकिन अगर एक्स ना होता तो एक्स को हटाने का काम करिए। तो ई की पावर पहले जो लिखा है, इस एक्स को इसकी पावर बना दो, ए की पावर कितना हो गया, ई बेस पर ए की पावर एक्स हो गया और डी एक्स, तो ये पूरा अब हट जाएगा, कितना आएगा, ए की पावर एक्स डी एक्स, और ए की पावर एक्स डी एक्स तो एक फार्मूला ही होता है, आप क्या लिख रहे होंगे, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स और डिवाइड में कितना, लॉग ई बेस पर ए, बहुत सही समझिएगा, ये होता है, और साथ ही साथ प्लस सी लगा देना, ठीक है। अगर आपकी बुक में नहीं मैच हो रहा हो आंसर ऐसा कभी, तो ये एक बेस चेंज थ्योरम भी होती है, या यूं कहो बेस को ऊपर ले जाने का प्रोसेस होता है, तो ए की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये लॉग ई ए लिखा है ना, अभी ई ए लिखा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे बड़ा बन जाएगा और ए छोटा बन जाएगा, इस तरह से प्लस सी आप इसे लिख सकते हैं, या तो ये आंसर होगा या फिर वो आंसर होगा, ठीक है, आप इन दोनों को समझ लीजिए। आई थिंक अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन टू लॉग, यहाँ पे लिखा है ई और एक्स,
ठीक है, इंटीग्रेशन टू लॉग ई एक्स। अब एक बात समझो कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस को भी इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो पार्टी है जिस पे पावर लगी, ये बेस हो गया, ये लॉग का बेस और ये जो नंबर, इनको आपस में आप अदल बदल सकते हो, मतलब इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, आप इनको भी इधर उधर कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, देखो। अच्छा, डी एक्स मैं लिखना भूल गया हूँ, तो डी एक्स भी लिख लो बच्चे। सब एक्सपोनेंट के रूल से क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं बहुत बड़ी बात। आपको एक बार जो बात बताई जाए आप उसको समझ लीजिए कि ये आपस में स्थान बदल लेते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो जो ये लिखा है वही क्या लिख जाएगा, अभी एक्स की पावर बन जाएगा लॉग ई बेस पे टू बन जाएगा, यानी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। अब बच्चे जो भी लिखा है लॉग एक्स की पावर में क्या है, एक नंबर ही तो है, लॉग ई टू लिखा था ना, तो लॉग ई टू क्या एक नंबर होगा, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, हालांकि लॉग ई टू लॉग टू की वैल्यू ऐसे 10 बेस पर तो 30-10 होती है डेसिमल में। अगर लॉग टू की वैल्यू मैं निकालूं और 10 बेस ले लूं तो इसकी वैल्यू होती 0.3010, 30-10 होती है बच्चे। लॉगरिथमिक टेबल एक होती है, उसमें ऐसी टेबल आपको बताई गई होंगी कभी, या नहीं बताएंगी तो मैंने बता दिया है। तो मतलब एक नंबर ही होता है, तो x की पावर कोई नंबर ही तो है, तो मतलब x की पावर n जैसा हो गया। अगर ये x की पावर n जैसा है तो उसी तरह से इसको ट्रीट करो, तो x की पावर को एक बढ़ा देना, एक बढ़ा दिया, और जितनी पावर बढ़ के आ रही हो तो उसमें डिवाइड कर देना। तो पावर में एक बढ़ाना, किस में पावर है कितनी, लॉग ई टू है तो उसमें बढ़ा दिया हमने लो, और वही पावर नीचे लिख दो लॉग ई टू, और प्लस ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया x की पावर, ठीक है आप सही से लिख लीजिए, लॉग ई टू प्लस वन अपॉन में लॉग ई टू प्लस वन और प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपको कोई इशू नहीं बना होगा। तो बच्चों ये हमने आपको लेक्चर नंबर 1 आपको दिया है आज, एक बेसिक इंट्रो हमें देना था कि इस चैनल पर आपको अब मैथ्स मिल रही, अप्लाइड मैथ्स मिल रही, जिन बच्चों ने कॉमर्स में अप्लाइड मैथ ले रखा है, तो हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं आपको कंटेंट देने का अप्लाइड मैथ्स का। तो बस चैनल को सबके साथ शेयर कर दीजिए, सबके साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें और दूर तक ये बात पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में और अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ, इंटीग्रेशन में। थैंक यू वेरी मच।